नमस्कार बच्चों, आज हम साहित्य सागर का पाठ नंबर 2 काकी यह पढ़ेंगे, जो सियाराम शरण जी ने लिखा है। अब सियाराम शरण द्वारा लिखित काकी यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब मनोवैज्ञानिक मतलब क्या? तो मनोवैज्ञानिक मतलब किसी बात का मन पर गहरा असर होना। अब इस काकी में ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना का किसी के मन पर गहरा असर हुआ है? तो इस कहानी में श्यामू नाम का एक अबोध बालक है, उसके माँ की मृत्यु हो जाती है और उस बात का उस पर गहरा असर होता है। अब इस कहानी को काकी नाम क्यों दिया है? तो कहानी के आरंभ से ही काकी की देहांत से कथा आरंभ होती है। अब बड़े सवेरे जब ये श्यामू उठता है तो वो दृश्य देखता है कि घर में कोहराम मचा है। क्यों? तो उसकी माता की मृत्यु हुई है और वो भूमि शयन कर रही है और उसके चारों तरफ लोग बैठकर रो रहे हैं। बच्चा नहीं समझ पाया, लेकिन जब लोग उमा को उठाकर स्मशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। श्यामू उनके हाथ से छूटकर उमा पर जा गिरा और कहने लगा कि मैं माँ को नहीं उठाने दूंगा, वो तो सो रही है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? बड़ी कठिनता से लोग श्यामू को छुटाते हैं। अब बच्चों से या बुद्धिमान गुरु बच्चों से नहीं सॉरी बुद्धिमान गुरुजनों से उसे बताया जाता है कि उसकी मम्मा और गई नहीं, मामा के घर गई है उसका उसको शांत करने के लिए, और फिर उसको ले जाते। फिर एक दासी जो है वह दासी उस बच्चे को घर पर संभालती। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि सत्य बहुत दिन तक छिपा नहीं रहता। कभी कभी हमारे मुंह से कभी झूठ या हम कुछ काम के लिए झूठ बोलते, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो हमारे मुंह से सच निकल ही जाता है, अचानक से ऐसा होता है। इसलिए हमेशा सच बोलो। अब सच क्या होता है कि माँ पता है राम की आ गई है। आसपास के अबोध बालकों से यह समझ जाता है, प्रकट हो जाता है कि माँ और गई नहीं, राम के घर गई है। अब इसके बाद एक उदाहरण दिया है बारिश का। जैसे बारिश के सीजन में बारिश गिरती है धरती पर तो कुछ समय तक धरती पर ऊपर रहता है, लेकिन 2 दिन के बाद वो पानी दिखाई नहीं देता, अगोचर हो जाता है। लेकिन उस जमीन के अंदर जो नमी है, जो गीलापन है, वो बना रहता है। ऐसा ही उसका रोना तो शांत हो गया, ऐसा कुछ हादसा हो जाता है कि जिंदगी में बहुत दुख होता है, रोना आता है, लेकिन मनुष्य लाइफ भर तो नहीं रो सकता क्योंकि उसको आगे का जीवन संवारना होता है। इसलिए उस बेचारे ने भी रोना शांत कर दिया, लेकिन उसका दुख, उसका शोक उसके अंतस्थल में जाकर बैठ गया। हमेशा अकेला अन्य मनस करहा करता था, दुखी रहता था, शून्य मन से आसमान की ओर ताका करता था, माँ राम के घर गई है, माँ वहां है, ऐसे कुछ ना कुछ सोच उसके मन में आती। एक दिन जब वो ताक रहा होता है और उसको आसमान में पतंग दिखाई देती है, यस व्हाट यस, उसको ऐसी कल्पना सूझती है कि मैं पतंग उड़ाकर उस पतंग के माध्यम से काकी को नीचे उतार सकूं। इसलिए वो अपने पिता के पास जाता है, बड़ा उत्कंठित है पतंग के लिए, कहता है कि मुझे पतंग मंगा दो। अब विश्वेश्वर जो है उनके पिताश्री, वो बड़े दुखी रहते हैं पत्नी के जाने के बाद, उन्होंने कह दिया अच्छा मंगा दूंगा। लेकिन श्यामू अपनी इच्छा को नहीं रोक सका, यहां वहां देखा, पिताजी का कोट नजर आया, उस कोट से पैसे ले सकता, वो ऐसा सोचा, स्टूल सरकाया, उस पर चढ़ा, जेबे टटोली और चवन्नी का आविष्कार किया। चवन्नी का आविष्कार करने के बाद वो बड़ा खुश हो गया, भागे भागे अपने मित्र के पास गया। अब उसका मित्र कौन? तो उसका मित्र है भोला, जो उसका समवयस्क साथी है। अब उसने उसे क्या कहा कि हम इस पैसे से नहीं, आप एक आपकी जीजी से पतंग और डोर मंगा दो, हम पतंग बनाएंगे। क्यों? तो बताया कि
काकी को पतंग के द्वारा नीचे उतारना है। अब भोला जो है, भोला श्यामू से समझदार था। भोला को ऐसे लगा कि ये डोर जो है वो पतली है और काकी जब उसको पकड़ेगी तो वो टूट जाने का डर है, इसलिए अगर मोटी रस्सी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब श्यामू वापस गंभीर हो गया, क्यों? पैसा? मोटी डोर मंगाने के लिए पैसा कहां से लाऊं? मेरे पास तो पैसे है नहीं। फिर वही पहले दिन की तरकीब, कोर्ट से वापस 1 रुपया निकाला, भोला को दिया, मोटी डोर मंगाई गई, अंधेरे रूम में दोनों ने पतंग को डोर बांधी, बड़ा खुश था। अब वो पतंग ऊपर भेजेगा, काकी उसको पकड़ेगी और काकी उस पतंग के द्वारा नीचे आएगी, ऐसा भोला को लगा, बड़ा खुश हो गया, यस। लेकिन शुभ कार्य में विघ्न जैसे कभी कभी आ जाता है, वैसे विघ्न की तरह विश्वेश्वर पहुंचे। बड़े ही उग्र रूप धारण किया था, बड़े गुस्से में थे, क्योंकि उनको पता चला था क्या कि मेरे जेब से किसी ने पैसे निकाले। जैसे आए और भोला और श्यामू को धमका कर कहा, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? श्यामू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोला ने एक ही डांट में सारा राज खोल दिया, सारा सच बता दिया। क्यों? क्योंकि अगर भोला सच नहीं बोलता तो भोला को डांट भी पड़ सकती थी, हो सकता है मार भी खाने पड़ती, इसलिए उसने सच बता दिया कि ये श्यामू ने किया है। अब वो बहुत गुस्सा है, जोर से धमका कर बोले, चोरी से कर जेल जाएगा क्या? इतना ही नहीं, पतंग को फाड़ कर फेंक दी और 2-4 तमाचे भी लगा दिए। लेकिन फाड़ी हुई पतंग जब उन्होंने देखी तो उस पर लिखा हुआ था काकी। तब उनको पता चला कि ये काम के लिए श्यामू ने मेरे जेब से पैसे निकाले। इतना विचार भयानक था, इतना मर्मस्पर्शी था, हृदय स्पर्शी था कि विश्वेश्वर कुछ भी सोच नहीं पाए, हतभूत ही होकर वहीं खड़े रहे। ऐसे होता है छोटे बच्चों का बाल सुलभ मन। अब इसलिए इस कहानी को काकी नाम दिया है। अब ये जो ब्लैक बोर्ड है इस पर मैंने लिखा है काकी कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य मतलब ये काकी कहानी क्यों लिखी है, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो ये आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ओके। उसके बाद मैंने लिखा है सार्थकता। कहानी को काकी यह शीर्षक क्यों दिया है, उसको सार्थक कीजिए। तो मैंने आपको बताया अभी और मैंने आपको ये लिखाया भी है, तो आप बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल का होना जरूरी है, और वो होगा आपके पास, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अगर नहीं है तो प्लीज आप नोट, टेक्स्ट बुक, जो भी मटेरियल है वो लेकर आइए और फिर लेक्चर सुनिए, ओके। अभी आप बच्चे उतार लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन, हम पढ़ेंगे कहानी। आपके हाथ में पेंसिल रहेगी मार्किंग के लिए। अब आपका ये लिखकर हो गया होगा या उसका फोटो खींच लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, ओके। पात्र परिचय, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अब इसमें पहला पात्र है श्यामू की मां, जिसका नाम है उमा। दूसरा पात्र है श्यामू के पिता, जिसका नाम है विश्वेश्वर। तीसरा है भोला,
शामू का सम वयस्क साथी और इस कहानी का मुख्य पात्र है शामू। एक अबोध सीधा साधा लड़का जो माँ से असीम प्यार करता है। यह है चार पात्र। अब इसमें से चरित्र चित्रण जो आपको आ सकता है, ये भोला, शामू और शामू के पिता विश्वेश्वर। लेसन एक्सप्लेन करते समय मैं आपको बताते जाऊंगी, आप मार्किंग करते जाना। ओके, अब पेज नंबर 10, लेसन नंबर 2, काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहरा मचा हुआ है। बड़े सवेरे शामू ने क्या देखा, क्वेश्चन आ सकता है। देखा कि घर भर में कोहरा मचा हुआ है। कोहरा मचा हुआ मतलब बड़ा उपद्रव मचा है, बड़ा उधम मचा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन कर रही मतलब सोई हुई है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। किस क्वेश्चन का उत्तर है कि बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप एरो करके लिख दीजिए कि नींद खुलने के बाद शामू ने क्या देखा है, फुल पैराग्राफ उसका उत्तर। ओके, लोग जब उमा को श्मशान में ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रहे हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहां ले जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। क्यों शामू को दाह संस्कार में नहीं जाने दिया? क्योंकि शामू अबोध बालक था, शामू नादान बालक था। उसके आंखों के सामने ऐसा दृश्य वो अगर देखता कि माँ को जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके मन पर उसका असर हो सकता था, और वो बड़े लोगों को काफी सवाल पूछ सकता था जिस सवालों के जवाब बड़े लोगों के पास नहीं। इसलिए उसके दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया, बल्कि घर पर ही रखा और एक दासी ने उसको संभाला। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया, क्या विश्वास दिलाया, कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है। क्वेश्चन, बुद्धिमान लोगों ने क्या विश्वास दिलाया, क्या, कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि सच अधिक दिन तक छिपा नहीं रहता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, वैसे असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। असत्य का आवरण मतलब असत्य का कवर जो किया था सत्य पर, वो बहुत ज्यादा दिन, बहुत ज्यादा समय, दिन छोड़ो, छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट ही हो गया। वो बच्चों को नहीं पता कि शामू को ये बात बताना है या नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही, दिल साफ होता है बच्चों का, बता दिया कि माँ राम के घर गए। यह बात उससे छिपी ना रह सकी, किससे, बालकों से, कि काकी कहीं नहीं राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते, बहुत दिनों तक बेचारा रोता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसका रुदन, अंडरलाइन रुदन, रोना शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। शोक मतलब दुख। मीनिंग कहने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ ताकि उस समय में आप बच्चे मीनिंग लिखें टेक्स्ट बुक। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी का पानी अगोचर हो जाता है। बारिश के सीजन में ऐसा होता है कि बहुत जोरों की बारिश आई या कंटिन्यू रही पूरा दिन,
तो 2 दिन तक पानी रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अगोचर हो जाता है। अगोचर होना, दिखाई न देना, लेकिन धरती के अंदर जो नमी होती है, जो गीलापन होता है, वो बहुत दिनों तक बना रहता है। वैसे ही चेहरे का रोना जो है वो तो दूर हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल, मन, चित्त में वह शोक जाकर बस गया था। शोक का मीनिंग मैंने कहा दुख। बस गया मतलब उसके मन में घर किया था, किस बात ने, कि माँ मेरे पास नहीं है। इसलिए वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यह लाइन चरित्र चित्रण में आ सकती है शामू के। आकाश पता है आपको, उसके पर्यायवाची दो शब्द पता होंगे आपको, कॉमन वर्ड है, नभ है, आसमान है, गगन है, अंबर है। ताका करना, क्या क्या मैंने लगातार देखा, ताका करना मतलब देखना। एक दिन उसने क्या देखा, एक दिन उसने आसमान में उड़ती हुई पतंग देखी, और क्या न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, यस मैं इस पतंग से काकी को नीचे उतारूंगा, ऐसा उसके मन ने सोचा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, विश्वेश्वर उसके पिताजी है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अवतरण मार्किंग कीजिए, कहां से, एक दिन से लेकर एक पतंग मंगा दो तक, अवतरण अंडरलाइन, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। मैंने जैसे आपको कहा कि काका वो अपने पिता को कहते थे, और क्यों कहते थे, क्योंकि घर के सारे लोग उनको काका कहते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। ये चरित्र चित्रण किसका आएगा, विश्वेश्वर का। अन्य मनस्क मीनिंग नीचे भी दिया हुआ है कि जिसका मन कहीं और लगा हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए भी आ सकता है वो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो, जैसे जिनका मन कहीं और लगा हो, आंसर अन्य मनस्क। ओके ओके, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। उनका मूड था ही नहीं, किसी में भी उनका मन नहीं लगना था पत्नी के मृत्यु के बाद, लेकिन बच्चे को कह दिया, क्या कह दिया कि अच्छा मंगा दूंगा। लेकिन शामों में इतने पेशेंस नहीं थे कि वो जब देंगे तब मैं पतंग लाऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर ऊपर भेजूंगा। वो बड़ा उत्कंठित था श्यामू, पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, उत्कंठित, उतावला, जैसे आप किसी बात के लिए उतावले होते हो। जैसे पिताजी ने कहा है कि आते समय मैं आपको कोई ऐसे ऐसी वस्तु लाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है, आप बहुत एक्साइटेड कब पिताजी आएंगे और कब हमें वो वस्तु देंगे, वैसे ये बेचारा श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। क्या इच्छा थी शामू की, पतंग लाना। एक जगह खुंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खुंटी क्या होती है, दीवार में हुक अटकाते हैं, हैंग करते हैं कि जिस पर हम कोई वस्तु लटका सके, हुक। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, मतलब पॉकेट ढूंढा, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत भाग गया। अवतरण अंडरलाइन, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। आविष्कार करना, खोज करना, ढूंढना, जैसे कोई वैज्ञानिक कुछ इन्वेंट करते हैं खुश हो जाते हैं, वैसा ही खुश यहां पर कौन हुआ है, शामू, क्योंकि उसने एक चवन्नी को प्राप्त किया। अब उस चवन्नी से वो क्या करेगा, पतंग खरीदेगा, पतंग बनाएगा, काकी के पास छोड़ेगा ताकि काकी आए। सुखिया दासी का लड़का भोला, भोला का चरित्र चित्रण ये, शामू का समवयस्क साथी था, समवयस्क समान आयु वाला। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा,
अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। बोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह राज बताया उसने पतंग बनाने का। क्या राज बताया? कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर इसका नाम लिख देता। बोला श्यामू से अधिक समझदार था। कैसे? उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है। कौन सी? पतंग के द्वारा काकी को नीचे उतारने की, परंतु एक कठिनता है। क्या? यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब श्यामू गंभीर हो गया, तो पैसे का प्रॉब्लम था, मतलब तो लाख बात की सुझाई, परंतु कठिनता थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम तो है नहीं, और उसको पता था कि घर के लोग उसको इस काम के लिए पैसा नहीं देंगे। फिर उसने क्या किया, चिंता के मारे श्यामू को नींद ही नहीं आई। उसने पहले दिन की तरकीब जो थी चवन्नी निकालना, वैसे उसने वापस विश्वेश्वर के कोर्ट से 1 रुपया निकाला ताकि वो मोटी रस्सी लाए और उसको बांध दे, और भोला को दिया और कहा, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए क्या कि हम डोर मंगा रहे हैं, अच्छी अच्छी दो रस्सियां मंगा लो, एक रस्सी ओछी पड़े। जवार भैया से मैं इस कागज पर काफी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद पतंग बनाकर हो गई, मोटी रस्सी लगाकर हो गई। अभी कुछ ही समय में पतंग जाएगी ऊपर, काकी उसको पकड़ेगी और काकी नीचे आएगी। ये आनंद है भोला को, सॉरी श्यामू को। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे। अब बस कुछ ही समय का देर है, हो गया सब काम। लेकिन अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, अंडरलाइन मुखबिर हो जाना, भेद बता देना। अगर भोला ऐसा नहीं करता तो भोला को डांट भी खानी पड़ती, हो सकता है मार भी खानी पड़ती। भोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, उसाया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीकर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हो। यह कहकर फिर तमाचे जड़े, एक्सपेरिमेंट करो किस पर, नहीं नहीं, और कान मलने के बाद पतंग को फाट डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? अच्छा रस्सी बांधना बाकी है अभी। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे तानकर, सॉरी इनसे पतंग तानकर काकी को राम की आस से नीचे उतारे। ये सोच, ये कल्पना सुनकर विश्वेश्वर कुछ भी सोच नहीं पाए, हतबुद्धि होकर वही खड़े रहे अवतरण। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वही खड़े रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। आरंभ से लेकर अंत तक, आरंभ होता है काकी के देहांत से और अंत होता है काकी को नीचे उतारने के लिए किया गया, बनाया गया पतंग पर लिखी हुई काकी। इसलिए कहानी का शीर्षक जो है काकी, बिल्कुल सटीक है, उचित है। ऐसे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि भगवान उनको देता है, जो यहाँ पर भोला ने और श्यामू ने किया। इतना श्यामू को अपने माँ के प्रति प्रेम, इसलिए कहानी का उद्देश्य अगर 1 लाइन में बोलना हो तो बाल मनोविज्ञान को दर्शाना,
मतलब बच्चों के मन की दशा को दर्शाना और अपने माँ के प्रति ममता का भाव प्रकट करना, ये इस कहानी का उद्देश्य है। अपनी कहानी यहाँ पर खत्म हुई, अगले पीरियड में हम अगला लेसन देखेंगे। बाय, थैंक यू।